तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतेंद्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतेंद्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। संपूर्ण स्वरूप की अनुभूति का ये अद्भुत संसार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश, इसी लोक में करती रूहे सर्वोत्तम महसास। कितना भव्य और उज्ज्वल ये
तेरा परम आकाश इसी लोक में करती रूह सर्वोत्तम एहसास मन की आँखें करती रहती बस इसका दीदार प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार।
रुकुटी सिंहासन पर विराजमान मैं आत्मा एक सेकंड में अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करता हूं। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा, आप यहां आ जाओ, और एक सेकंड में अव्यक्त ब्रह्मा और उसके भ्रुकुटी में चमक रही है महाज्योति बाप और दादा मेरे सम्मुख है। बाप दादा के इस आगमन से मेरे घर का कोना कोना चमक उठा है। बाबा की पवित्रता की वाइब्रेशंस मेरे घर के कोने कोने को पवित्र बना रही है। मेरे घर का हर एक सदस्य बाबा से इस पवित्रता की शक्ति लेकर मन दुरुस्त और तन दुरुस्त हो रहा है। बाबा मुझे दृष्टि देते अपना वरदानी हाथ मेरे सर पर रखते हैं। और मुझे वरदान देते हैं, मीठे बच्चे योगी भव पवित्र भव। और एक सेकंड में वापस सूक्ष्म वतन में। लेकिन बाबा के इस वरदान से मैं अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करता हूं। मेरा मन शक्तिशाली है, मेरा शरीर तंदुरुस्त है, मेरा परिवार हेल्दी है और मेरे घर के वाइब्रेशंस पवित्र है। दुनिया की सारी खुशियां सारे सुख मेरे साथ मेरे घर में है। ये मेरा लौकिक परिवार लौकिक घर स्वर्ग है। ओम शांति। संपूर्ण मौन अव्यक्त वायुमंडल मन एकाग्र बुद्धि स्थिर
शरीर की सारी हलचल समाप्त। सभी आवाजों से परे अवस्था। संपूर्ण शरीर शिथिल। वायुमंडल में अव्यक्त प्रवाह। देह के भव्य भाल पर विराजमान मैं एक चैतन्य ज्योति हूं। चमकता सितारा। संपूर्ण आत्माभिमानी स्थिति। ऋषियों में राज ऋषि। तपस्वियों में महातपस्वी। योगियों में महायोगी। मैं एक तेजस्वी आत्मा हूं। संपूर्ण चेतना भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित। मुझ आत्मा से संपूर्ण शरीर में दिव्य प्रकाश फैल रहा है। मुझ आत्मा से चहुओर चारों तरफ दसों दिशाओं में शक्ति की तरंगे फैल रही है। संपूर्ण वातावरण शक्तिशाली। एक एक आत्मा से इस संपूर्ण सभागृह में शक्तियां विकीर्ण हो रही है। मैं आत्मा अनुभव कर रही हूं संगठित शक्ति का। मन संपूर्ण शांत। बेआवाज। सभी आवाजों से परे। भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान मैं चैतन्य ज्योति। शक्ति का अनुभव कर रही हूं। धीरे धीरे इस शरीर को यहीं छोड़ मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप धारण कर आकाश में हूं।
निर्भार, निर्बोझ, संपूर्ण हल्कापन, सारी थकान जैसे मिट गई, सारे संकल्प हल्के, सूक्ष्म देह धारण कर अंतवाहक शरीर सहित मैं आत्मा आकाश में हूं। उड़कर पहुंच के अरावली पर्वतों के बीच मैं फरिश्ता देख रहा हूं। मधुबन की वो तपोभूमि, वो पांडव भवन, नुमा शाम का समय, संपूर्ण साइलेंस, तपस्वियों की भूमि, ब्रह्मा की कर्म भूमि, ब्रह्मा की कर्मातीत भूमि। मैं फरिश्ता नीचे उतरता हूं, अनुभव कर रहा हूं मैं मधुबन के आंगन में हूं। ब्राह्मणों का संगठन, पवित्रता की खुशबू आ रही है, रोम रोम पुलकित हो रहा है। अब मैं फरिश्ता शांति स्तंभ के पास हूं, अव्यक्त बाबा के महावाक्य गूंज रहे हैं। यदि शक्तिशाली बनने का संकल्प हो तो शांति स्तंभ पर आ जाना, अनुभव हो रहा है शांति स्तंभ से शक्तिशाली किरणें निकल मुझ आत्मा में भर रही है। फिर से अव्यक्त बाप दादा की आवाज, बच्चे तुम अब शांति स्तंभ की परिक्रमा लगाते हो। जब तुम स्वयं शांति स्तंभ बन जाओगे, बाप तुम्हारी परिक्रमा लगाएंगे। मैं फरिश्ता अनुभव कर रहा हूं कि मैं शक्ति स्तंभ बन गया हूं। एक अलौकिक शक्ति का अनुभव, यहां से उड़कर मैं फरिश्ता पहुंच गया हिस्ट्री हॉल में। सभी पूर्वजों का वरदानी हस्त मेरे सिर पर, फिर से बाबा के महावाक्य सुनाई दे रहे हैं। बच्चे यदि व्यर्थ संकल्प तेज चल रहे हो तो हिस्ट्री हॉल में आ जाना,
मन के सारे व्यर्थ समाप्त हो रहे हैं। मन समर्थ संकल्पों से भर रहा है, शक्ति से भर रहा है। अब मैं फरिश्ता बाबा के कमरे में नुमा शाम का समय यज्ञ की आदि भूमि मधुर भूमि मनोरंजन भूमि तपस्या भूमि परमात्मा अवतरण भूमि बाबा के महावाक्य बच्चे यदि बाप समान बनना हो तो बाबा के कमरे में आ जाओ। निहार रहा हूं बाबा को, बाबा जो संकल्प तुम्हारे वो आज से मेरे, जो बोल तुम्हारे वो आज से मेरे, जो कर्म तुम्हारे वो आज से मेरे, जैसी चलन तुम्हारी वैसी मेरी, जो भावनाएं तुम्हारी वो भावनाएं मेरी, जो स्मृति तुम्हारी वो स्मृति मेरी, जो स्वप्न तुम्हारे वो स्वप्न मेरे, जो दृष्टि तुम्हारी वो दृष्टि मेरी, जो वृत्ति तुम्हारी वो वृत्ति मेरी, जो दृष्टिकोण तुम्हारा वो दृष्टिकोण मेरा, जो संस्कार तुम्हारे वो संस्कार मेरे। मैं बाप समान संपूर्ण कर्मयोगी फरिश्ता हूं। अब मैं फरिश्ता उड़कर पहुंच गया बाबा की कुटिया में। संपूर्ण साइलेंस बाबा को देख रहा हूं। बाबा के महावाक्य सुनाई दे रहे, बच्चे यदि उदास हो जाओ तो बाबा की कुटिया में आ जाओ, बाप से रूह रिहान करने। बाबा के सम्मुख बैठा हूं, बाबा से बातें कर रहा हूं। आज मैं बाबा को वो बातें बता रहा हूं मेरे अपने जीवन की, जो मैंने आज तक किसी से नहीं बताई। बाबा से बातें करेंगे,
सब कुछ सच्चे दिल से उसे सुना देंगे। बाबा जब से ब्राह्मण बना हूं इस जीवन में ये हुआ है। बाबा वर्तमान ये मेरा पुरुषार्थ है। बाबा ये मेरा वो संस्कार है जो नहीं बदल रहा। मैं क्या करूं आप बताओ। मैं फरिश्ता वापस मधुबन के आंगन में पवित्रता की खुशबू मेरे अंदर भर गई है। रोम रोम पुलकित रोआ रोआ खुशी की पुलक से भर गया है। फिर से आकाश में और अब पहुंच गया सूक्ष्म वतन अव्यक्त बाप दादा मेरे सम्मुख खड़े हैं। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि मुझ पर पवित्रता की अनंत धाराएं मुझे आत्मा में समा रही। बाबा के मस्तक से अनंत शक्तियां मुझ आत्मा में भर रही है। बाबा ने अपना वरदानी हस्त मेरे सिर पर रख दिया है। जैसे कि एक सुरक्षा कवच निर्माण हुआ है निरंतर प्रभु छत्र छाया का अनुभव मैं फरिश्ता अनुभव कर रहा हूं। मेरे ऊपर परमात्मा छत्र छाया है। बाबा मुझे अब तिलक दे रहे हैं। बच्चे विजयी बाबा बच्चे निर्विघ्न भव सफलता मूर्त बाबा
इन वरदानों को पाकर ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे मैं इनका स्वरूप बन चुका हूं। अब बाबा ने दोनों हाथ मेरे अपने हाथ में ले लिए। एक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। भगवान ने मेरा हाथ थामा है। अब कैसा डर, कैसी चिंता, भगवान ने हाथ पकड़ लिया है। मैं निश्चिंत आत्मा हूं। संपूर्ण मौन, बेआवाज चुप्पी, एक वो है और एक मैं हूं बस। एक की याद, बस एक से प्यार, एक से सर्व संबंध, एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप ही संसार, एक पल एक भरोसा, बस एक का ही गुणगान, एक की ही महिमा, एक रस्तिति, एक में ही सब कुछ, एक से ही सब कुछ, एक के लिए ही सब कुछ। बस एक वही, बस एक वही, मैं आत्मा उस एक में समाई हुई हूं। एक को पाया, सब कुछ पाया, सूक्ष्म वतन में बाबा से मुलाकात, एक अद्भुत अनुभव। अब मैं फरिश्ता इस सूक्ष्म शरीर को यहीं छोड़ परम धाम की ओर बढ़ता हूं।
शांति धाम। संपूर्ण मुक्ति का अनुभव मुक्ति धाम। आवाज रहित दुनिया निर्वाण। निराकारी दुनिया ज्योतिर्बिंदु आत्माएं आत्माओं की नगरी मणियों का आगार रुद्रधाम। ब्रह्मलोक मैं आत्मा उस निराकारी झाड़ में हूं। देख रही हूं मेरे सम्मुख शिव बाबा। शिव बाबा का पहला स्वरूप महाज्योति। मैं आत्मा महाज्योति के सम्मुख हूं। उसका संपूर्ण प्रकाश मुझ में समा रहा है और कोई संकल्प नहीं। महाज्योति और मैं ज्योति बाबा का दूसरा स्वरूप चैतन्य बीज। मैं आत्मा उस बीज से साथ कंबाइंड हूं। शिव बाबा का तीसरा स्वरूप बिंदी। मैं भी बिंदी और वो भी बिंदी। उस बिंदी की संपूर्ण चमक मुझ में आ रही है। बाबा का चौथा स्वरूप चमकता सितारा स्टार। मैं भी स्टार और वो भी स्टार। स्टार क्या सारा प्रकाश सारा आलोक मुझ में समा रहा है। बाबा का पांचवा स्वरूप सूर्य। ज्ञान सूर्य से सारी किरणें मुझ पर। पवित्रता के सूर्य की सारी रश्मियां मुझ पर।
शिव बाबा का छठवा स्वरूप सागर, प्रेम का सागर। मैं आत्मा डूबती जा रही हूं इस सागर में। और नीचे और गहरे में आनंद का सागर। मैं आत्मा खो गई हूं इस आनंद के सागर में। शक्तियों का सागर, बाबा की एक एक शक्ति मेरे अंतरतम में समा रही है। शिव बाबा का सातवां स्वरूप स्वीट का पहाड़, मैं आत्मा इस पहाड़ को हप कर रही हूं। बाबा की सारी स्वीटनेस, मधुरता मुझ में समा रही है। मैं निराकार आत्मा परम धाम में हूं। निहार रही हूं अपने परम पिता को। निस्तब्धता कंप्लीट साइलेंस, निशब्दता, अब मैं आता धीरे धीरे नीचे उतरती हूं सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म वस्त्र धारण कर, और नीचे ग्लोब पर मेरे पैरों से पवित्रता की शक्तिशाली किरणें संपूर्ण ग्लोब को आच्छादित कर रही है। संपूर्ण वायुमंडल शुद्ध, पांचों तत्व मेरी प्यूरिटी से प्रभावित हो रहे। मैं पवित्रता का फरिश्ता, संसार की एक एक आत्मा को पवित्रता की किरणें प्रदान करता हूं। और धीरे धीरे वापस इस स्तन में प्रवेश, मेरी आंखों के सामने बाबा बैठे हैं। अगले कुछ पल संपूर्ण मौन में केवल बाबा को देखते रहूंगा। संपूर्ण मौन, कोई आवाज नहीं।
केवल उसकी ओर नजर। शुक्रिया आपका लाखों बाबा।
सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, हूँ पल की ना पल भर बंद मेरी, हूँ पल की ना पल भर बंद मेरी, इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं।